जेड स्कोर्स ए जेड स्कोर टेल्स हाउ मेनी डेविएशन अबव और बिलो द मीन ए स्कोर इस जेड स्कोर हमें ये बताता है कि जो मीन है उससे कितना जो डेविएशन है अबव अब होगा या बिलो होगा एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा स्कोर जो जेड स्कोर है इसका मीन होता है जीरो और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वन और रेंज होता है इसका माइनस थ्री सिगमा टू प्लस थ्री सिगमा अब हम इस डायग्राम में देखते हैं कि Z स्कोर को तो हमने जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो है Z स्कोर जेड इजल टू एक्स माइनस एम अपॉन सिगमा वेयर Z इज द वैल्यू ऑफ ए स्कोर ऑफ Z स्कोर एक्स इज द वैल्यू ऑफ रॉ स्कोर सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन एम इज़ मीन ऑफ द स्कोर और हम जेड इजल टू एक्स माइनस सिगमा को ये भी कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू जेड सिगमा अपॉन प्लस एम अब एज यू कैन सी इन द डायग्राम इसका रेंज जो हमने बताया था वो होता है माइनस थ्री सिगमा टू प्लस थ्री सिगमा और मीन जो है इसका जीरो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वन और ये ये बताता है कि कितना मीन से डेविएशन अबव है और हाउ कितना मीन से डेविएशन जो है बिलो है प्लस स्कोर का मतलब है मोर देन द मीन स्कोर और माइनस स्कोर मीन्स लेस देन मीन स्कोर अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं

अब सिंस जब सिग्मा हमें फ़िफ्टीन दिया है तो इसका और मीन हमें दिया हुआ है सेवेंटी फाइव तो इसका मतलब हुआ कि जो मीन से डिस्टेंस होगा राइट साइड में उसमें आप फिफ्टीन जोड़ते जाइए सेवेंटी फाइव प्लस फिफ्टीन इज़ नाइन्टी नाइन्टी प्लस फिफ्टीन इज वन जीरो फ़ाइव वन जीरो फ़ाइव प्लस फिफ्टी इज़ वन सिमिलरली जब स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस फिफ्टीन दिया तो लेफ्ट साइड में इसे माइनस करते जाएंगे सेवेंटी फाइव माइनस फिफ्टीन इज़ सिक्सटी सिक्सटी माइनस फिफ्टीन इज़ फोर्टी फाइव एंड फोर्टी फाइव माइनस फ़िफ्टी इज़ थर्टी तो लेफ़्ट साइड और राइट right साइड का हमें पता चल गया अब हम ये भी है कि अगर हम डायरेक्टली भी जेड स्कोर निकाल सकते थे अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन पता होता क्योंकि इस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन दिया मीन दिया हुआ है सेवेंटी फाइव और रॉय स्कोर स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें पता चल जाता तो नाइन्टी में हम देखेंगे प्लस वन सिगमा आ रहा है अगर जब रॉ स्कोर नाइनटी है तो जेड की वैल्यू आ रही है प्लस वन सिगमा नो वी कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑल्सो अब हम इसे एक अन्य एग्जाम्पल के द्वारा भी समझते हैं टू नो द रॉय स्कोर इस गेड स्कोर इज गिवन स्कोर को हम जानना चाहते हैं जब रॉ स्कोर पता है जेड इजक्टल टू एक्स माइनस एम बाई सिड की वैल्यू हमें पता नहीं है एक्स दिया हुआ है हमें थर्टी दिया है फिफ्टीन एम दिया हुआ हमें सेवनटी फाइव तो जेड इज ऑक्ल टू एक्स माइनस एम बाई सिगमा तो थर्टी माइनस सेवनटी फाइव अपॉन फिफ्टी इजल टू माइनस फोर्टी फाइव अपॉन फिफ्टीन इक्वल टू माइनस थ्री सिग्मा हमारी जेड की वैल्यू आ रही है अब हम ये वैल्यू डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं ये हम समझते हैं कैसे यहाँ हम देखते हैं डायग्राम में हमें मीन दिया हुआ है मीन हमें दिया हुआ है सेवेंटी फाइव और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है फिफ्टीन तो राइट साइड में क्या हम फिफ्टीन ऐड करते जाएंगे सेवेंटी फाइव प्लस फिफ्टीन इज नाइन्टी नाइन्टी प्लस फिफ्टीन इज वन जीरो फाइव एंड वन जीरो फाइव प्लस फिफ्टीन इज़ वन सिमिलरली लेफ्ट साइड में फिफ्टी माइनस करते जाएंगे सेवेंटी फाइव माइनस फिफ्टीन इज सिक्सटी सिक्सटी माइनस फिफ्टीन इज फोर्टी फाइव एंड फोर्टी फाइव माइनस फिफ्टीन इज थर्टी तो अब हम ये देख रहे हैं जब रो स्कोर थर्टी है तो इसकी वैल्यू जो आ रही है माइनस थ्री सिग्मा आ रही है दस वी कैन कैलकुलेट जेड स्कोर फ्रॉम द फिगर ऑल्सो डायरेक्टली वी नो द रॉय स्कोर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ जेड स्कोर हाउ टू कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एप सिग्मा और डायरेक्टली फ्रॉम द डायग्राम ऑल्सो वैन रॉय स्कोर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन अब यूज क्या होता है इसका ये हमने बताया था कि जो भी हम कंपेयर करते हैं इट हेल्प्स अस टू कंपेयर स्कोर्स ऑन टू अनलाइक स्केल्स एंड टू कंबाइन स्कोर्स ऑन टू अनलाइक स्केल्स अभी हम थोड़ा और डिटेल में फिर कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करना चाहेंगे जेड स्कोर से रिलेटेड इन इट डिस्ट्रीब्यूशन डेवियशंस ऑफ द स्कोर फ्राम इट्स मीन एक्सप्रेस्ड इन सिगमा देट इज स्टैंडर्ड डेवियशन ऑफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड स्कोर्स दीज आर ऑल्सो रेफर टू सिकमा स्कोरस और जेड स्कोरस जो डिस्ट्रीब्यूशन में डेवियशंस होते हैं स्कोरस के मीन से या कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी इनको हम स्टैंडर्ड स्कोरस बोलते हैं या जेड स्कोर्स और जिकमा स्कोरस भी बोलते हैं स्टैंडर्ड स्कोर और जेड स्कोर ऑफ एनी स्कोर टेल्स अस वेयर एंड हाउ फार अबव और बिलो द मीन दैट पार्टिकुलर स्कोर लाइज इन दैट डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि मीन से कितना अबव या कितना बिलो जो डेविएशन होता है वो होता है हमारा जेड स्कोर और स्टैंडर्ड स्कोर सिंस मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ द स्कोर ऑप्टेंट फ्राम एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट आर नॉर्मल और नियर नॉर्मल इट इज़ क्वाइट कस्टमरी टू एज्यूम नॉर्मैलिटी फॉर एनी सेट ऑफ रॉय स्कोर्स दैट वी नीड टू ट्रांसफॉर्म इन टू स्टैंडर्ड और जेड तो जो भी हमें रॉ स्कोर होते हैं उनका कोई मीनिंग नहीं होता तो हमें उन्हें स्टैंडर्ड स्कोर्स में ट्रांसफ़र करना होता है या जेड स्कोर्स में अब हम इसको डायग्राम से भी समझते हैं इन द फिगर यू कैन सी दैट द स्टैंडर्ड स्कोर्स एक्सप्रेस्ड इन सिग्मा यूनिट्स विद मीन एज जीरो सिग्मा स्कोर्स है उसमें मीन जीरो होती है स्टैंडर्ड एवियशन वन होता है तो आप देखेंगे एक एंड रेंज इसकी होती है माइनस थ्री सिग्मा टू प्लस थ्री सिगमा तो जीरो से प्लस वन सिगमा फिर उसमें वन एड करेंगे तो प्लस सिग्मा फिर वन एड करेंगे तो प्लस थ्री और जीरो में माइनस करेंगे तो माइनस वन फिर माइनस करेंगे फिर तो माइनस टू सिकमा फिर उसमें भी माइनस वन करेंगे तो माइनस थ्री सिकमा हो जाएगा इफ यू प्लॉट द रॉय स्कोर्स ऑफ ए टेस्ट ऑन एक्स एक्सेस एंड देयर फ्रीक्वेंसीज़ ऑन द वाई एक्सेस वी विल गेट ए बेल शेप कर्व दैट इज नॉर्मल कर्व अगर हम रॉय स्कोर्स जो टेस्ट में हमें मिले उन्हें एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे तो हमें एक बेल शिफ्ट जो घंटे के आकार का एक कर्व मिलता है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल कर्व दिस कर्व हैज टू आइडेंटिकल डिविजन्स विद द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एट इट्स सेंटर और स्टार्टिंग पॉइंट्स इसकी जो दो आइडेंटिकल डिविजन्स होती हैं जैसे सिमेट्रिकल कर्व होता है और मीन इसका सेंटर पॉइंट होता है द डिस्टेंसिज फ्रॉम द मीन द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बोथ द डायरेक्शंस नेगेटिव और पॉजिटिव आर मेजर्ड इन सिग्मा जो जो मीन स्टार्टिंग पॉइंट है उससे जो भी जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में जो भी हम मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन द डिस्टेंसेस फ्रॉम द मीन कैन बी इक्वली सब डिवाइडेड रेंजिंग फ्रॉम माइनस थ्री सिग्मा टू प्लस थ्री सिग्मा इज शोन इन द फिगर इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन वन है तो हमने ये देख लिया कि जो इक्वल डिवीजन होगी जीरो टू प्लस वन सिगमा टू प्लस टू सिग्मा और प्लस टू सिगमा टू प्लस थ्री सिग्मा सिमिलरली ऑन द नेगेटिव साइड और लेफ्ट साइड इट विल बी जीरो टू माइनस वन सिगमा माइनस वन सिगमा टू माइनस टू सिगमा एंड माइनस टू सिगमा टू माइनस थ्री सिग्मा एज यू कैन सी इन द डायग्राम अब हम बात करते हैं आगे कि स्टैंडर्ड स्कोर्स आर डेविएशंस Of the scores from the mean and expressed in ST units, it is um, imperative that the mean of the standard scores essentially be 0 and their standard deviation be equal to 1. क्योंकि जैसा कि हमें पता है स्टैंडर्ड स्कोर से ये डेविएशन है ऑफ द स्कोर मीन्स फ्रॉम द मीन एंड एक्सप्रेस इन एस टी यूनिट्स तो मीन इनका जीरो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इनका होता है वन दिस इज द रीजन व्हाई द मीन सर्व एज द स्टार्टिंग पॉइंट और द ओरिजिन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विद इट्स वैल्यू वन बिकम्स द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसीलिए जो मीन है इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो जीरो होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो होता है एक यानी कि वन यर एनी स्कोर इज इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव डिस्टेंसिस इन सिगमा यूनिट्स फ्रॉम द मीन जो भी स्कोर है वो इंटरप्रेट किया जाता है नेगेटिव या पॉजिटिव डिस्टेंसिस में सिगमा यूनिट्स में मीन से सच अ पोजिशन वेयर द स्टैंडर्ड स्कोर इन सिग्मा यूनिट्स आर अब और बिलो द मीन प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द स्कोर इन डिस्ट्रीब्यूशन फर्दर इट कैन हेल्प अस मेक ट्रू कंपेरिजन्स फॉर विच द रॉय स्कोर्स नीड टू बी कन्वर्टेड इन टू स्टैंडर्ड स्कोर्स ये हमें टू कंपेरिजन्स करने में भी हेल्प पड़ता है अब नाउ वी विल द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल देर आर टू सेक्शंस ए एंड बी इन क्लास टेन ऑफ स्कूल एक क्लास है टेंथ स्कूल में जिसमें दो सेक्शंस है ए और बी टू टेस्ट देर अचीवमेंट इन मैथ्स टू डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स आर प्रिपेयर उनका मैथ्स में अचीवमेंट देखने के लिए दो अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स बनाए गए सुरेश स्टूडेंट ऑफ सेक्शन है गॉट एट्टी मार्क्स वाइल रवि स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी गॉट सिक्सटी सुरेश जो सेक्शन ए का स्टूडेंट है क्लास टेन का उसके एट्टी मार्क्स आए और रवि जो स्टूडेंट है सेक्शन बी का उसके सिक्सटी मार्क्स आए कैन यू से विच ऑफ दीज टू स्टूडेंट स्टेंट्स बेटर इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट इन मैथ्स तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट बेटर है मैथ्स के अचीवमेंट में मीन एंड स्टैंडर्ड डेविशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स फॉर सेक्शन ए एंड बी आर एज फॉलोज मीन और स्टैंडर्ड डेविशन दही हुई है सेक्शन ए और सेक्शन बी के सेक्शन ए का मीन है सेवेंटी स्टैंडर्ड डेविशन है ट्वेंटी सेक्शन बी का मीन है फिफ्टी और स्टैंडर्ड डेविशन है टेन अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं हेयर वी कैन नॉट कंक्लूड डेट सुरेश विद एट्टी मार्क्स इज ए बेटर स्टूडेंट इन मैथ्स एज कम्पेयर टू रविजनली सिक्सटीन मार्क्स हम ये नहीं कह सकते इस निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि सुरेश जिसके अस्सी मार्क्स आए हैं वो बेटर स्टूडेंट है रवि की तुलना में जिसके खाली केवल सिक्सटी मार्क्स आए हैं द पेपर सेट फॉर सेक्शन ए माइट हैव बीन क्वाइट इजी क्या पता सेक्शन ए का पेपर आसान आया हो और इट कुड हैव कंटेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सो मैनी अदर वेरिएशन इन कॉन्ट्रास्ट टू दोज इन सेक्शन बी क्या पता उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए और कई और वेरिएशन्स भी हो सकते हैं सेक्शन बी में जो पेपर आया है उसकी तुलना में एज ए रिजल्ट द मार्क्स ऑप्टेंड बाय दीज टू स्टूडेंट्स डू नॉट बिलोंग टू द सेम स्केल ऑफ मेजरमेंट इसीलिए जो मार्क्स आए हैं इन दोनों स्टूडेंट्स के ये सेम स्केल ऑफ मेजरमेंट में नहीं है देयर फोर देयर रॉ स्कोर्स द नीड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इन टू स्टैंडर्ड स्कोर और जेड स्कोर्स फॉर कंपेरिजन इसके लिए हमें इनके जो रॉ स्कोर्स आए हैं इनको स्टैंडर्ड स्कोर या जेड स्कोर में ट्रांसफर करना होगा कंपेरिजन के लिए अब हमें जेड स्कोर का फॉर्मूला पता है The formula for Z transformation is as follows: Z is equal to X minus M by Sigma, where X is the raw score obtained in a test, and M is the mean of the distribution of the raw score in the test mean for section A, and Sigma is the standard deviation of the distribution of scores for this test. Therefore, Z is score for Suresh of Suresh is eighty minus seventy upon twenty is equal to ten upon twenty is equal to zero point five Sigma. Similarly, Z score of Ravi is sixty minus fifty upon ten. जल टू टेन टेन इज टू वन सिगमा तो हमने thus ये देखा can, कि जेड स्कोर जो रवि का है वो प्लस वन सिगमा एज कंपेयर टू जेड स्कोर ऑफ़ सुरेश इज ओनली सिग्मा वी कैन कंक्लूड दैट रवि इज प्लेस्ड बेटर विथ वन सिग्मा स्कोर इन टर्म्स ऑफ इस अचीवमेंट कम्पेयर टू सुरेश विथ जीरो पॉइंट फाइव सिग्माई स्कोर अब हमने ये देखा कि रवि का जो रॉय स्कोर दिया था वो एट्टी था सिक्सटी uh, था और सुरेश का था एट्टी जब हमने इसे स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट किया तो हमने पाया कि जेड स्कोर जो सुरेश का है वो है प्लस जीरो पॉइंट फाइव सिग्मा और रवि का आया है प्लस पॉइंट प्लस वन पॉइंट जीरो सिग्मा तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रवि की जो प्लेसमेंट है अचीवमेंट है मैथ्स में वो बेटर है एज कंपेयर टू सुरेश अब नाउ वी विल डिस्कस द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड स्कोरस फर्स्ट मेरिट्स First point is standard scores have essentially the same meaning for all tests. Second, transformation of raw scores into Z-scores does not change the shape or characteristics of the distribution. Third, standard scores can be safely used for the inter-individual. Inter means between, comparing a person's score with these scores of others and intra means within. Intra-individual means within the individual comparisons. Limitations, kya is Limitations of the standard scores are first. In these scores, plus and minus... साइंस आर यूज दिस कैन बी ओवर लुक टू मिसअंडरस्टुंड एंड सेकेंड इज डेसिमल पॉइंट्स यूज मे क्रिएट डिफिकल्टी आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा